मैं प्रणव अरोड़ा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नी टिप्स एंड ट्रिक्स YouTube चैनल के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि टॉपिक लेना चाहिए और मुझे इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। तो आज की ये वीडियो है, उसका टॉपिक है फ़ोन एडिक्शन। जी हाँ, अभी लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है और अभी के समय में सभी लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है मोबाइल को स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे। जी हाँ, पूरे दिन मोबाइल ही चलाते रहते हैं, फ़ोन से पूरा का पूरा एडिक्टेड हो गए हैं वो लोग। और उन लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे उन्होंने मोबाइल चलाया है और इतने ज़्यादा टाइम उन्होंने सिर्फ मोबाइल के अंदर ही बिता दिया है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपना फ़ोन एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं और अपने फ़ोन एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को पूरा का पूरा शेयर कर देना, पूरा वायरल कर देना, ताकि सभी लोगों को फ़ोन एडिक्शन से बाहर निकलने की टिप्स और ट्रिक्स मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका फ़ोन एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। मोबाइल की कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद में आपका मोबाइल एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है और मैंने खुद ने अपना मोबाइल एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम किया है। तो आप भी इस ट्रिक्स को ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद में आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। वहाँ पर जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक डिजिटल वेल बींग का। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है अपनी सेटिंग्स के अंदर, तो आपको प्ले स्टोर पर जाके इसकी ऐप भी डाउनलोड करने को प्रोवाइडेड है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। जैसे ही आप इसके अंदर चले जाएंगे तो आपको एकदम इंटरफेस आ जाएगा कि आपने कितने घंटे मोबाइल चलाया है, कितने घंटे कौन कौन से ऐप को चलाया है और कितने घंटे और आप चलाते हो रोज़, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। जी हाँ, पूरा वीकली, पूरा मंथली, आपको जैसा चार्ट चाहिए, ग्राफली, जैसा भी आपको चाहिए वो पूरा वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और आपको अपने फ़ोन एडिक्शन को कम करने के लिए वहाँ पे एक नीचे दिया हुआ होगा एक मोड, फोकस मोड, जी हाँ, जिसके ऊपर आप जाके सेट कर सकते हैं टाइम कि हाँ भाई 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमको ये ऐप्स हाथ भी नहीं लगाने हैं। जी हाँ, तो आप अपना फ़ोन एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हो। या फिर आप कोई भी ऐप के ऊपर पास में उसके टाइमर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो कि मुझे इंस्टाग्राम सिर्फ 1 आवर चलाना है, मुझे जो व्हाट्सएप है वो सिर्फ 30 मिनट से चलाना है और जो फेसबुक है वो सिर्फ 45 मिनट से चलाना है। तो जैसे ही आप वो चला लोगे उसके बाद में वो एकदम बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। उसके बाद में 45 मिनट्स के बाद में, 30 मिनट्स के बाद में, आपने जितना भी टाइम सेट किया है उसके बाद में आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो चला नहीं पाओगे, वो जो ऐप्स है वो चला नहीं पाओगे। और अगर आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप अपना टाइमर डे टू डे लाइफ में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो आता है वो है बेड टाइम मोड। जी हाँ, रात को सोते वक्त हमें पता ही नहीं चलता, हम 10 बजे बेड के ऊपर जाते हैं, मोबाइल देखते हैं और देखते देखते स्क्रॉलिंग करते करते कब 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कितने बज गए हैं और हम अभी तक मोबाइल ही चला रहे हैं। तो इसके लिए ये मोड है बेड टाइम मोड। जी हाँ, जैसे ही आप ऑन कर दोगे और यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करना होगा, जैसे कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, तो इसके अंदर ये बेड टाइम मोड रहेगा। जैसे ही आप इसको ऑन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही 11 बज जाएंगे या फिर जो भी आप टाइम सेट करोगे उसके बाद में आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। और इसके अंदर DND मोड, जी हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपको फ़ोन रख देना है और सो जाना है। उससे आपका फ़ोन एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आप टाइमर वाला भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। फोकस मोड भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप फोकस मोड ऑन करेंगे आपको उस टाइम लिमिट, जैसे कि मैंने अपने स्टडी का टाइम लिमिट दे रखा है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का, तो फिर 8 बजे से 11 बजे तक कोई भी मेरे ऐप्स नहीं चलेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है वो काम नहीं करेंगे। तो आप इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हो इन फीचर्स को। और एक ऐप और है जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी देर मोबाइल चलाया है, जी हाँ, और वो आपको वॉलपेपर के ऊपर सर्कल्स के थ्रू पता चलेगा, जैसे कि आप मेरे वॉलपेपर के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और आप जितनी देर भी मोबाइल यूज़ करोगे, मतलब उस हिसाब से ही आपके स्क्रीन के ऊपर सर्कल्स ड्रॉप होंगे और आपको पता चलेगा
कि आप कितने देर मोबाइल चला रहे हो और अब आपको इसको रख देना चाहिए। तो यही थी आज की कुछ ट्रिक्स और टिप्स। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।